दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कुछ ही गाड़ियां चलाने में इतनी मजेदार होती है जिसको दिन रात चलाने का मन करता है, ऐसी ही गाड़ी मैं चला रहा हूं, वो है BMW की एंट्री लेवल सेडान जो है 220i यानी कि 2 सीरीज ग्रैंड कूपे, और ये इसका एम स्पोर्ट वेरिएंट है, पेट्रोल में है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें, इसके एक्स शोरूम प्राइस है 43,50,000 और ऑन रोड कीमत की हम बात करें मोटे मोटे तौर पर ये गाड़ी 50 लाख की आती है। इसमें डीजल का भी ऑप्शन आता है और ये गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव। इसको मैं 4 दिनों से चला रहा हूँ। इसमें क्या खासियत है, क्या इसकी लिमिटेशंस है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा और ये गाड़ी किन लोगों को सूट करेगी उसके बारे में भी पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का डिजाइन ऐसा है कि इसको आप ओन करने के बाद खुद मुड़ मुड़ के देखेंगे, दूसरों की बात करना तो आप छोड़ ही दो। और स्पेशली इस कलर में इतनी खूबसूरत दिखाई देती है गाड़ी कि बच्चे से लेकर बड़ा बुजुर्ग भी इसको मुड़ मुड़ के देखता है। जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो इसका फ्रंट है, काफ़ी शार्प है, काफ़ी स्लीक है। ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, साथ के साथ जो ये DRL है वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। कहने का मतलब है आगे से काफ़ी खूबसूरत है ये गाड़ी। साइड में जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो है इसके अलॉय व्हील, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। 17 इंच के इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं। इसके जो टायर हैं उसका साइज मैं आपको बता देता हूँ, 225/45R17। इसे ग्रैंड कूपे बोला जाता है क्योंकि ये कूपे स्टाइल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो रूफ है यहाँ पर स्लोपिंग रूफ है। जितनी ये गाड़ी आगे से शार्प और स्लीक दिखाई देती है उतने ही ये जो गाड़ी है पीछे से स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर फील देती है। टिपिकल BMW डिजाइन है आप जैसे देख सकते हैं, और नीचे आपको 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं बोनट के अंदर क्या क्या मिलता है, वो आपको दिखाता हूं मैं आपको। तो जैसे ही आप बोनट खोलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको हाइड्रोलिक सपोर्ट मिलते हैं। ये है 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 189 BHP की पावर निकालता है और 280 Nm का टॉर्क निकालता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, इसकी क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है 14.8 km/L। अच्छी बात इस इंजन की ये है कि ये लो RPM में भी पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 1350 RPM पर ये 280 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ये गाड़ी सेडान है तो ऑब्वियस सी बात है इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा, 152 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है, और थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। और जो स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर होते हैं, टिपिकल स्पीड ब्रेकर होते हैं, उसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत कम लगती है ये। अगर कुछ अनस्टैंडर्ड ब्रेकर आ जाए तब लगने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप रोड में गाड़ी चलाते हैं और थोड़ी बहुत खराब सड़कें भी हैं तो उतनी ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। इसकी जो मटेरियल क्वालिटी है, डैशबोर्ड का जो लेआउट है और साथ के साथ जो एर्गोनॉमिक्स है, उसमें कोई भी शिकायत नहीं है। अंदर जब आप बैठेंगे कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि ये एंट्री लेवल BMW है, इतनी ज़्यादा प्रीमियमनेस है इसमें। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन की क्वालिटी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की क्वालिटी काफ़ी लाजवाब है। स्टीयरिंग का फील भी काफ़ी अच्छा है। इसमें विजन में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है जैसे X1 में था। X1 से टोटली अगर कंपेयर करें तो उसके इंटीरियर से काफ़ी अच्छा इंटीरियर है इस ग्रैंड कूपे 2 सीरीज का। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ टाइम आप गाड़ी को चला लेते हैं तो आप उसके यूज तो आसानी से हो जाते हैं। सेंटर कंसोल में आप देखेंगे तो इसमें आई ड्राइव के कंट्रोल मिलेंगे और आपके ड्राइव मोड्स भी यहाँ पर मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप को भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं यहाँ से। और जो हेडलाइट के कंट्रोल हैं आपको मिलेंगे डैशबोर्ड के राइट हैंड साइड में। यहाँ पर AC के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है और प्रॉपर वॉल्यूम का बटन यहाँ पर मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें मिलता है आपको जेस्चर कंट्रोल, आप जो है जेस्चर के थ्रू आप अपनी वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। 6 जेस्चर कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, ये काफ़ी सहूलियत हो जाती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। 2 सीरीज में आपको मिलता है फ्रेमलेस विंडो जो कि काफ़ी अच्छी दिखाई देती है और काफ़ी अच्छा फील करवाती है आपको। तो चलिए अब मैं इसके सीटिंग कम्फर्ट के बारे में आपको बता दूँ। आगे की दोनों सीटें पावर एडजस्टेबल है। अच्छी चीज़ पता है क्या है, इसमें फ्लेक्सिबल थाई सपोर्ट आपको मिलता है, आप अपने हिसाब से अपनी लंबाई के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा इसमें थाई सपोर्ट मिलता है और लंबे लोगों के लिए आगे की दो सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन एक बात और है, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी बंदा रहेगा ना तो उसको यहाँ पर जो बैक रेस्ट है उसमें प्रॉपर कंफर्ट नहीं मिल पाएगा। मेरे टाइप के बंदों तक के लिए प्रॉपर जो है कंफर्ट इसमें मिलता है। और थोड़ा सा इस गाड़ी में जो है ना निकलने में और बैठने में थोड़ी सी तकलीफ होती है अगर आप थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं तो। पीछे की सीटों में स्पेस देख लेते हैं, मैं अगर बताऊँ
तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये पीछे की सीटें बिल्कुल भी नहीं हैं। ये देखिए मैं प्रॉपरली इसमें बैठ भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आगे 6.4 फिट का जो बंदा है वो चला रहा था। अब मैं यहाँ पर बैठाता हूँ 5 फिट 7 इंच के व्यक्ति को, उसको कितना जो है कंफर्ट मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम रहती है ज्यादातर कारों में, खास करके एंट्री लेवल लग्जरी कारों में। देखिए 5 फिट 7 इंच के व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो है लेगरूम अच्छा खासा मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो हेडरूम है वो भी अच्छा मिल रहा है। जो ये रूफ है थोड़ी सी स्लोपिंग है तो लंबे व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो सेकेंड रो में सेंटर में काफी बड़ा हम्प है, तो कहने का मतलब ये है पीछे की सीटों में 2 लोग ही कंफर्ट के साथ बैठ सकते हैं और उनकी हाइट जो है 5 फिट 8 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे पुल करेंगे तो आप अपना जो बूट है यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, और डोर्स में अच्छा खासा स्पेस मिलता है। चारों डोर्स में आपको 1 लीटर की बोतल रखने के साथ साथ थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है। तो ग्लव बॉक्स में देख लेते हैं, ग्लव बॉक्स में भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस मिलता है, काफी डीप है ये। और यहाँ पर देखिए सेंटर कंसोल में जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर भी अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और सी टाइप चार्जर मिलता है, और सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर आपको मिलते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। तो चलिए मैं इसका आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बूट स्पेस इसमें डिसेंट है, आप देखिए थोड़ा सा डीप है बूट स्पेस, और साथ के साथ नीचे आपको स्पेस सेवर टायर मिलता है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हैं। 3-4 लोग लंबी ट्रिप में जाते हैं तो उनका सारा सामान आ जाएगा। तो चलिए आप इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं। BMW जानी जाती है अपनी ड्राइविंग प्लेजर के लिए, इसमें कितना प्लेजर मिलता है आपको बताता हूँ। और ये जो एंट्री लेवल जो BMW है, क्या आपको एक्चुअल में प्लेजर दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी, जानने की कोशिश करते हैं। आइए तो चलिए अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है इसका सेंटर कंसोल में। काफ़ी स्मूथ इंजन है, काफ़ी साइलेंट इंजन है, और इसमें आपको मिलता है 7-स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। और इसको अब हम चलाते हैं, डी मोड में इसे डाल देते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टीयरिंग व्हील में इसमें जो है पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं। इसके सस्पेंशन जो है प्रॉपरली ट्यून्ड है, थोड़े से हार्ड भी हैं, लेकिन आपको कंफर्ट पूरा मिल रहा है। तो ऐसी जो ऊंचाई है उसमें चढ़ाने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 152 mm होने के बावजूद भी कहीं पर लगती नहीं है गाड़ी, ये अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि सस्पेंशन हार्ड है तो उसमें कंप्रेशन नहीं होता है, वो दबते नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा कम लगते हैं। और BMW क्लेम करती है कि इसकी 0 to 100 टाइमिंग है आपका 7.1 सेकेंड। इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग जो है स्लो स्पीड में काफ़ी लाइट है इसका, तो लॉन्च करके देखते हैं इसको। इसको डाल देते हैं स्पोर्ट्स मोड में। इसमें 3 मोड मिलते हैं, मैं आपको बताना भूल गया, इको प्रो, कंफर्ट और स्पोर्ट्स। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ किया हुआ था। परफॉर्मेंस लाजवाब है यार, ये 100 पहुंच गई, मजेदार परफॉर्मेंस है, और स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। सेडान में बॉडी रोल तो होता नहीं है, कहने का मतलब है फन टू ड्राइव गाड़ी है। मज़ेदार मज़ेदार स्टेबिलिटी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना फन कर रहा हूँ मैं इसको चलाते वक्त, और साथ के साथ पेडल शिफ्टर के मज़े। स्पोर्ट्स मोड तो इस गाड़ी का काफी मजेदार है। एक और चीज मैं आपको बताया था, अगर आपकी गाड़ी तेज स्पीड में होती है उसमें किसी शार्प गड्ढे में जाती है तो काफी जोर से आवाज आती है सस्पेंशन से, हालांकि कंफर्ट उसमें भी मिलता है। यहाँ पर थोड़े से बम्प है, मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। उसमें आवाज आई लेकिन कंफर्ट पूरा मिला, तो ये अच्छी बात है। ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है इस गाड़ी की। वाह भाई परफॉर्मेंस, इसको मैं स्पोर्ट्स मोड मैनुअल में डाल देता हूँ। 6,500 RPM पर रेड लाइन, और पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको हाई स्पीड में चलाने में, ये बात है BMW की। और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है उसके बावजूद भी कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से मैं देखता हूँ। इसमें मैं महसूस करूंगा कि टॉर्क स्टीयर होता है या फिर नहीं होता है। ये मैनुअल मोड में है, मैंने कोशिश भी करी कि टॉर्क स्टीयर हो लेकिन हुआ नहीं। जो X1 है उसमें काफ़ी टॉर्क स्टीयर फील होता है, लेकिन 2 सीरीज में ना के बराबर है। अभी इसको पहाड़ी इलाके में चलाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ पर महसूस होगा या फिर नहीं होगा।
स्पोर्ट्स मोड में काफी अच्छा पुल करती है यार ये गाड़ी। बड़ी तगड़ी गर्मी है, 42 डिग्री सेल्सियस है, एसी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस गाड़ी का। लेकिन सर में थोड़ी सी गर्मी है क्योंकि ये देखिए मैंने शेड खोल रखा ताकि आपको अच्छा दिखाई दे कैमरे के अंदर, उस वजह से, नहीं तो इसकी काफी अच्छी है एसी की परफॉर्मेंस। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इको प्रो मोड इसका काफी स्मार्ट मोड है, काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर देता है। अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा 80 की स्पीड में क्रूज कंट्रोल में, और साथ के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसी जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है वो आ रही है MID पर। और 80 की स्पीड में ये गाड़ी क्रूज कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है शो कर रहा है फिलहाल। अभी जो है गाड़ी डी एक्सलरेट हो रही है, अभी यहाँ पर एक्सलेशन हुआ, थोड़ा सा स्पीड मैच करने की कोशिश कर रही है, अब आई है प्रॉपर क्रूजिंग मोड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 के आसपास है जो फ्यूल इकोनॉमी वो रिटर्न कर रही है गाड़ी, कहने का मतलब है काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी है गाड़ी। इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं, एडवांस इंजीनियरिंग, की परफॉर्मेंस भी निकाल लो इंजन से साथ के साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल लो। देखिए कई बार क्या होता है कि आप गाड़ी को 3-4 दिन लगातार चला लेते हैं, इवन आपकी नई गाड़ी क्यों ना हो तो एक्साइटमेंट लेवल थोड़े से कम होते जाते हैं डे टू डे, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं हो रहा। जितना ज्यादा इसको चला रहा हूँ इतना ज्यादा प्यार होते जा रहा है मुझे इस गाड़ी से। थोड़ा सा टॉर्क स्टीयर ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ कर रखा है उस वजह से। देखिए ये इको प्रो मोड में है, अगर आप इसमें एफिशिएंसी चाहते हैं तो इसमें लाइट फुट में चलाएंगे तो प्रॉपर फ्यूल एफिशिएंसी देगी, लेकिन आपको पावर की जरूरत है, आप जो है एक्सेलेरेटर पेडल को टैप कीजिए, ये आपके इरादे समझ जाएगी और आपको खींचते हुए ले जाएगी। देखिए इस गाड़ी को आप अगर शहर में चलाएंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। आगे थोड़ा सा बोनट दिखाई देता है इस गाड़ी का, ये गाड़ी SUV नहीं है, उसके बावजूद भी हल्का फुल्का दिखाई देता है। जिसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है कि उनको नहीं दिखाई देगा, IRVM हो, ORVM हो या फिर पीछे की विंडशील्ड से अगर पीछे देखना हो तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है इस गाड़ी की सेडान होने के बावजूद भी। सेफ्टी फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है गाड़ी में, इसमें जितने भी एडवांस सेफ्टी फीचर हैं सारे मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कमी ये रह जाती है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है और साथ के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वाला जो फीचर है इंडिकेटर है वो इसमें नहीं मिलता है। लेकिन जब इस गाड़ी को आप मैन्यूवर करते हैं, इसके आगे के सेंसर और पीछे के जो पार्किंग सेंसर है आपको एक 360 व्यू बनाकर देते हैं जिससे कि आपको अंदाजा लग जाता है कि आपके चारों तरफ क्या है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो वो 360 डिग्री कैमरे को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। इको प्रो मोड में एक फीचर आता है कोस्टिंग, अगर आप गाड़ी को एक बार खींचने के बाद एक्सेलेरेटर पेडल से पैर हटा देते हैं तो इंजन का कनेक्शन बिल्कुल अलग हो जाता है, गाड़ी फ्लोट करते हुए जाती है, ऐसा लगता है कि गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है और इंजन ब्रेकिंग उस टाइम पर नहीं होती है, मतलब कि आप जो है बिना फ्यूल के कंजप्शन के गाड़ी काफी लंबी दूरी तक चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो है पहाड़ी एरिया आ चुका है, गाड़ी को मैंने लगा दिया है स्पोर्ट्स मोड में। अब यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं और घुमावदार सड़कों में ही पता चले काफी जबरदस्त है यार। इसलिए मैं आपको बोला था कि इस गाड़ी को जो है रात दिन चलाने का मन कर रहा है क्योंकि बड़ी फन टू ड्राइव है यार ये गाड़ी। वाह, ट्रैक्शन कंट्रोल बड़ा प्यारी तरीके से काम कर रहा है इसका। देखो कहने का मतलब है गाड़ी काफी स्टेबल है घुमावदार सड़कों में भी, प्रॉपर बैलेंस के साथ चलती है, बॉडी रोल नाम की कोई चीज नहीं है, सस्पेंशन भी काफी अच्छे ट्यून्ड है, कंफर्ट के साथ साथ आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी भी देते हैं, स्टीयरिंग काफी अच्छा है, एक्यूरेट भी है, थोड़ा बहुत जो है टॉर्क स्टीयर होता है जब आप एकदम से गाड़ी को खींचते हैं लेकिन वो भी काफी कंट्रोल्ड है। देखो रात में ड्राइव करने में भी इस गाड़ी में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। परेशानी क्यों नहीं होगी आपको, क्योंकि हेडलाइट का जो थ्रो है काफी अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं ये है लो बीम और ये देखिए हाई बीम, कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, कितना अच्छा थ्रो है, ये BMW LED का कमाल है। और साथ के साथ अभी मैं इसकी फॉग लैंप ऑन करता हूँ, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो ऑन हो रही है, ये देखिए कितनी अच्छी ब्राइटनेस है उसमें भी, और पूरी रोड को कवर कर रही है, लेफ्ट और राइट में अच्छी तरह कवर कर रही है, ये देखिए। तो ओवरऑल हेडलाइट मुझे काफी अच्छी लगी इस गाड़ी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AC की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर येल्लो इस टाइप की है, लेकिन दिन में ये व्हाइट हो जाती है और रात के टाइम पर इस टाइप का कलर हो जाता है ताकि आपको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। और इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि रात में कोई परेशानी ना हो, और साथ के साथ जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी भी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर लेवलर दिया हुआ है, आप अपनी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर देखिए एम्बियंट लाइटिंग डिफरेंट टाइप की आपको दिखेगी इसमें, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है।
और इसमें आपको जो है 6 कलर मिलते हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपने मूड के हिसाब से। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप लग्जरी ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, एंट्री लेवल लग्जरी कार लेना चाहते हैं जिसकी रोड प्रेजेंस काफी अच्छी हो, तो ये गाड़ी आपके लिए है। ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, फन चाहिए और डेली थ्रिल चाहिए आपको, तो ये गाड़ी आपके लिए है। और साथ के साथ जिसकी फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक ठाक हो इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी, तो ये गाड़ी आपके लिए है। लेकिन लिमिटेशंस हैं यार, अगर आपकी फैमिली की हाइट ज़्यादा है तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो पीछे वाली रो है उतना ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं है बैठने के लिए। और साथ के साथ जहाँ पर आपने गाड़ी चलानी है वहाँ की रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो ये गाड़ी आपके लिए है। कहने का मतलब है अगर आप सिटीज़ वगैरह में रहते हैं तो इस गाड़ी पर जा सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, लग्जरी ब्रांड है तो सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा रहेगा, लेकिन BMW आपको देती है मेंटेनेंस पैकेज, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना सर्विस कॉस्ट कम कर सकते हैं शुरू के कुछ सालों तक। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस BMW 2 सीरीज पेट्रोल का। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट में लिखे, और साथ के साथ मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।